अस्सलाम वालेकुम जी, फोर पी ग्रुप की तरफ से मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। बकरा ईद ते गोश्त खा लिया होने, मैं क्या दोबारा वापस काम दे आ जाइए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ई ब्लॉक गैस सेक्टर, जो कि मोस्ट वांटेड एरिया है इस वक्त। लोगों की और कस्टमर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड ई ब्लॉक के हवाले से होती है कि यहाँ पर कोई सिंगल स्टोरी घर हो। तो हमने कहा अपने क्लाइंट्स के लिए बड़ा ही खूबसूरत ब्रांड न्यू घर जो है वो आपके लिए लेके आते हैं। मेजर रोड ई ब्लॉक आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ ही, हार्डली मेरे ख्याल पहला जो है वो घर है स्ट्रीट का। उससे पहले मेजर रोड की तरफ एक घर होगा जो भी बना नहीं है, खाली प्लॉट है। और लेफ्ट साइड पे भी देखिए जरा स्ट्रीट दिखाएं, सारी तकरीबन ऑलमोस्ट 90% जो है वो आबादी हो चुकी है और यहाँ पे तमाम बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है। फोर मरला फ्रंट एलिवेशन आप देखें, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत ज़बरदस्त है। और बिल्डर को मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने थे काशा ला के बड़ा खूबसूरत पौधे शोधे, नीले पीले पौधे फूल शोध लाए, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। तो अंदर घर का जो है वो विजिट करवाते हैं। अब्दुल्ला आए जी अंदर। फोर मरला 25x44 साइज है और अच्छा साइज होता है, 4 मरले का, बड़ी खूबसूरत। राइट साइड पे अब्दुल्ला अंदर आ जाए यार, अंदर आ जाए। राइट साइड पे यहाँ ओपन स्पेस जैसे अमूमन दी जाती है और यहाँ पे पानी का बोर हुआ हुआ है। कार पोर्च बड़ी टाइल्स के साथ और बड़ी यूनिक और बड़ी जबरदस्त टाइल्स लगी हुई हैं। यार दायरे दायरे जो बंदा खेलता रहे ना अब्दुल्ला, और टायर के साथ बंदा गाड़ी पार्क करे और बताए कि जी किस सर्कल में मैंने गाड़ी पार्क करनी है। साथ यहाँ पे स्टेज के नीचे यस ओपन स्पेस दी गई है, ये मल्टीपर्पज़ के लिए आप यहाँ पे अपना यूपीएस रख सकते हैं, जनरेटर रख सकते हैं, या आप अपना स्टोर रख सकते हैं। स्टेयर केस के नीचे जैसे अमूमन यहाँ पे दिया जाता है वॉशरूम, ताला लाया है भाई उन्होंने और टूटियां चोरी हुई हैं इस वजह से। उसके बाद जी फॉल सीलिंग बड़ी सिंपल सादा और ग्लो बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी, और मल्टी कलर हैं। अब्दुल्ला दिखा जरा जी कितना जबरदस्त है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस 25x44 के घर के अंदर। उन्होंने किचन के लिए एल्यूमिनियम की व्हाइट कलर की विंडो, स्लाइडिंग विंडो दी हुई है ताकि वेंटिलेशन आपके लिए इस्तेमाल। आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की आप फ्रंट पे डोर देखें तो बड़ी बादशाहों वाला स्टाइल होंगे, बादशाह हाथ रख के हैं अपने, तो बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। अंदर आए जी अब्दुल्ला, व्हाइट कलर की टाइल्स इस्तेमाल हुई हैं, व्हाइट एंड हल्का हल्का ब्लैक, बड़े ही जबरदस्त अच्छा लगता है ये कलर। और अच्छा, ये व्हाइट कलर जो है वो इस घर के अंदर एक एलिगेंस भी लेके आता है और एक मंदिर को ना कुशादा कुशादा सा घर नजर आता है। और पीले नीले कलर इस्तेमाल नहीं हुए इस बिल्डर का, पहले भी घर मैंने देखा था वो भी बड़ा जबरदस्त बनाता है। अच्छा, यहाँ पे उसने विंडो दी है स्लाइडिंग विंडो और एल्यूमिनियम की, और यहाँ पे उसने ग्रिल लगा दी है सेफ्टी पर्पज के लिए। ऊपर आप देखिए फॉल सीलिंग बड़ी सिंपल सादा, जो कोहिस्तान की मैंने कहता था ना कोहिस्तान जैसी फॉल सीलिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही क्वालिटी और बड़ी खूबसूरत वो पिंडा वाला नीला पीला कलर नहीं किया तो अच्छा लगता है। 4 मरले के इस घर के अंदर बहुत खूबसूरत चीज। यहाँ पे मीडिया वॉल और बैक इन्होंने लाइट दी है, रोप लाइट बड़ी अच्छी लग रही है। इस तरह की मीडिया वॉल इस छोटे 4 या 5 मरला घर में अमूमन लोग खर्चा नहीं करते, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह किसी जगह पैसा नहीं बचाया, अच्छा लग रहा है। और साथ आप अगर फैंस देखें, अब्दुल्ला जरा फैन दिखाओ, फैन का कलर, आपकी दीवारों का कलर और फॉल सीलिंग का कलर आपस में काफी जबरदस्त मैचिंग में है। अब्दुल्ला इस साइड पे आ जाए जरा, अब्दुल्ला को काले बड़ी आती है जी। अच्छा, ये डबल डोर मेन आपकी एंट्रेंस के लिए यूज हो रहा है और सॉलिड वुडन डोर लगाया है इन्होंने। और उसके बाद ओपन किचन, 4 मरला में ओपन किचन अच्छा लगता है यूवी शीट के साथ, और लाइट ब्लू सा कलर है यूवी शीट, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। और फिनिशिंग अच्छी है हाइड्रोलिक के साथ इन्होंने दिया है जी। तो टॉप जो है वो ब्लैक मार्बल के साथ, अब्दुल्ला जरा दिखाना जी, ये देखिए जी हुड लगा हुआ है, नीचे जो है वो पॉप की जगह उन्होंने छोड़ी है और काफी अच्छी स्पेस दी है किचन के अंदर। नेस गैस का जी प्रोडक्ट भी जो है वो नेस गैस की है, लोकली लाई इन्होंने, ब्रांडेड चीजें ला देने क्वालिटी बुक। अच्छा जी, फर्स्ट रूम अब्दुल्ला आई जी, 25x44 के अंदर आपके दोनों वॉशरूम आपके कमरों के बैक साइड पे होते हैं, बैक गैलरी पे होते हैं, इसलिए एक अच्छी स्पेस बन जाती है। मेरा भी 25x44 है, इस लिहाज से मैं इस घर को देख रहा हूँ, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं एक स्टेज कर लूँ, लेकिन माशाल्लाह ये गैस सेक्टर है तो गैस सेक्टर के अंदर जरा कॉस्ट ज्यादा होती है, अदरवाइज मैं एक्सचेंज करने में देरी ना करता, जितना अच्छा घर बना हुआ है। फॉल इन सीलिंग देखिए बहुत ही माशाल्लाह जबरदस्त है,
और एक वॉशरूम यहाँ पे दिया है सिंगल सीट के साथ, दिखाएं जिब्दुल्ला वॉशरूम दिखाएं। एसी की फिटिंग तक हुई हुई है, आपने सिर्फ एसी लगाना है, प्लग इन प्ले वाली बात है। बैक साइड पे यहाँ पे ओपन स्पेस होती है जिसके अंदर आप मर्द हजरात जो है वो कपड़े धो सकते हैं, और बैक साइड पे उन्होंने ग्रिल दे दी है सेफ्टी पर्पज के लिए, और बड़ी विंडो दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। इस साइड से डोर है और दूसरी तरफ इन्होंने दिया है आपको जो है वो विंडो दी है, स्लाइडिंग विंडो। सेकेंड बेडरूम की, सेकेंड बेडरूम भी इसी तरीके से मतलब एक बड़ा बेड जो है वो इजीली आ सकता है। मैं इस घर को देख के आपको ये कह सकता हूं कि बड़ा बेड इजीली दोनों कमरों में आता है, और एक स्मार्ट और सिंपल फैमिली के लिए, सादा छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। गैस सेक्टर के अंदर गैस अवेलेबल नहीं है लेकिन गैस सेक्टर है। यहाँ पे इन्होंने अलमारियां दी हैं, ये देखें बहुत जबरदस्त और मैनेज चीजें हैं। इस साइड पे भी एक वॉशरूम है और यहाँ पे भी वॉशरूम अब्दुल्ला दिखा दे, और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, यूनिक थोड़ा सा कलर लग रहा है। उसके बाद यहाँ इस 25x44 गैस सेक्टर का ये जो चार मंजिला घर है, इसकी ममटी की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ममटी बड़ी दी हुई है भाई ने, आ जाए जी ममटी पे जी। तो भाइयों बड़ी ही जबरदस्त लोकेशन, बहुत आउट क्लास है। मतलब जिस बंदे ने बच्चों को स्कूल में, मस्जिद, पार्क, जो जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं ना, इस घर के लेने के बाद आपको किसी किस्म की कोई चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मस्जिद पास है, कमर्शियल पार्क है, और प्रॉपर पार्क भी मौजूद है। ई ब्लॉक इस ये मुंटी जी, मुंटी छोटी उन्होंने बनाई है लेकिन आपके लिए अच्छी है। ऊपर जैसे मोमन आपको पता है जो सिंगल स्टोरी घर होते हैं उसके अंदर ऑप्शन छोड़ी जाती है कि आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड। देखिए करीब तरीन सारी की सारी आबादी है, ठीक है जी। और ये जो आपको राइट साइड पे 15 नंबर गली के साथ मेजर रोड नजर आ रही है, इस मेजर रोड से अगर आप सीधा जाएं तो आप चले जाते हैं, मेरे राइट साइड पे मस्जिद है, पार्क है, और मेरे लेफ्ट साइड पे PSO पंप है, और बिल्कुल करीब तरीन कमर्शियल एरिया है। बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है, ऊपर देख सकते हैं ममटी भी है। जिस भाई ने इस घर को लेना हो वो 4P ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यूएन नंबर पर डायल करें 0304111581। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।